हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेट फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बनाएंगे। मैंने अस्तर को देखिए इस प्रकार से ओपन कर लिया है और किनार की साइड से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। चेस्ट का नाप देख लेते हैं, बराबर है क्या फोल्डिंग। लंबाई मैंने ली है 15.5 इंच। 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। आर्म होल्स मैंने लिया 7.5 इंच। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल्स में। टू पॉइंट हम इस प्रकार से शोल्डर डाउन करेंगे। चेस्ट का नाप लेंगे, उसका चौथा हिस्से पे मार्किंग करेंगे। 2 इंच उसके अंदर हम मार्जिन के लिए रखेंगे। कमर के नाप पर निशान लगाएंगे, प्लस उसके अंदर 1 इंच और ऐड करेंगे जो हमें पीछे डॉट लगानी है, और 2 इंच उसके अंदर मार्जिन के लिए रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से और कट कर लेंगे। और उसको देखिए, फिर मैं दूसरी साइड इस प्रकार से रख दूँगी। आगे के पार्ट को कट करेंगे। अब हम आगे का पार्ट भी कट चुका है इस प्रकार से। अब हमें जो आस्तीन के अंदर अस्तर डालना है उसको इस प्रकार से रखेंगे। देखिए जॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमारा ये कम पड़ जाता है अस्तर में। लंबाई मैंने ली है यहाँ पर 11 इंच। ये टोटल हमारा 9 इंच है। ये मोरी हम लेंगे इसकी 7 इंच। लाइन ड्रॉ कर देंगे। 3 इंच इस प्रकार से गोलाई देंगे हम। बाजू को कट कर लेंगे। बाजू मैंने कट कर ली है, बीच में डॉट लगा दिया है। अब आगे के हिस्से में 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे इस प्रकार आस्तीन की। नेट फैब्रिक को इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर मैंने देखिए बैक पार्ट को रख दिया है। अब आगे के पार्ट को भी रख देंगे और इसको कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम बाजू के लिए फैब्रिक निकालेंगे। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे जो साइड में बच गया है। उसके ऊपर हमने जो अस्तर की कटिंग की है बाजू के, उसको रखेंगे और कट कर पीछे वाले गले की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, लंबाई भी मैंने 4 इंच ली है और बॉक्स बना के मैंने गोलाई दे दी है। अब नीचे देखिए मैं 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और उसको इस प्रकार से देखिए शेप दे देती हूँ। जहाँ पर हमने शेप दी है वहीं पर हम कटिंग भी करेंगे। इसके ऊपर देखिए फैब्रिक को इस प्रकार उल्टा रखेंगे और गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे, नीचे भी सिलाई लगाएंगे। आगे वाले पार्ट के गले की भी हम कटिंग करेंगे। देखिए उसकी चौड़ाई भी मैंने 4 इंच ली है, लंबाई उसकी मैंने 6 इंच ली है और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। और इसको इस प्रकार से शेप दे के हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको भी इस प्रकार से ओपन करेंगे। इसके ऊपर फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे, उल्टा ऊपर की साइड है, सीधा नीचे की साइड है और सिलाई लगा देंगे, एक ऊपर गले पे एक नीचे। देखिए हम सिलाई इस प्रकार से लगाएंगे। एक सिलाई नीचे की साइड लगा लेंगे यूं का यूं, और उसके बाद फिर हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर देंगे।
फिर देखिए हम उसको इस प्रकार से सीधा करेंगे कपड़े को। कैंची की सहायता से कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा ये सीधा हो चुका है ब्लाउज। मैंने ट्रायंगल शेप की लेस ली है और नीचे रख के लेस को ऊपर एक सिलाई इस प्रकार से हम लगा देंगे। देखिए मैंने इस प्रकार से नेक में और नीचे की साइड सिलाई लगा के लेस को अटैच कर दिया है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी। पीछे जो हमें डॉट लगानी है उसकी मार्किंग करेंगे। मैंने 5 इंच पे मार्किंग की है, यहाँ पर दोनों साइड मार्किंग कर देंगे। लंबाई मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है इसकी और 1 इंच गहरी हम इस डॉट को भरेंगे। देखिए मैंने डॉट लगा दी है। अब हम साइड से इसको देखिए इस प्रकार से कच्ची सिलाई से अटैच कर लेंगे चारों तरफ ब्लाउज को। अब आगे के गले को देखिए इसी प्रकार सिलेंगे हम। फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख रखा है मैंने। और एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे गले में और हम इसको सीधा करेंगे। और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम नीचे की साइड भी लगा देंगे। साइड से भी इस प्रकार से सिलाई से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए दोनों साइड से मैंने इस प्रकार से सिलाई से अटैच कर लिया है इसको। और 1 इंच गहराई देंगे हम आगे आर्म होल्स में और उसको कट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये निशान मैंने 4 इंच पे लगाया है। इसकी लंबाई भी 4 इंच पे और ये हम 2 इंच गहरा डॉट लगाएंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच पे चौथा भी 2 इंच पे। सारे निशान इस प्रकार से हम मिला लेंगे। दूसरी साइड कर लेंगे इन निशानों को इस प्रकार से। ये दूसरी साइड आ चुके हैं। वीडियो में थोड़े लाइट दिख रहे हैं बट मुझे अच्छे से नज़र आ रहे हैं। और इन डॉट को हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। देखिए सब डॉट्स हो चुके हैं क्लियर। अब हम इस ब्लाउज को इस प्रकार से सेंटर पार्ट से फोल्ड करके बीच में से कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर दी है और आगे वाले डॉट भी हम इस प्रकार से सिल देंगे। देखिए दोनों डॉट मैंने आगे वाले भी भर दिए हैं। और अब मैं 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके इसको डबल फोल्ड करके देखिए लेफ्ट साइड वाले हिस्से के ऊपर इस प्रकार से रखूंगी और एक सिलाई लगा दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस प्रकार से एक सिलाई और लगा देंगे। ऊपर वाले कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग के साथ अंदर फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे और ब्लाउज को पलट लेंगे और एक सिलाई किनार पर और लगाएंगे। एक पट्टी और मैंने ली है 3 इंच चौड़ी और इसको नीचे रखेंगे इस प्रकार और ऊपर से 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए पट्टी वाले कपड़े को और इस प्रकार से हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये राइट साइड वाला हिस्सा है
और इसको देखिए ऊपर से इस प्रकार से फोल्ड करके और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका है हुक पट्टी लगाने का। नीचे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए हमारी हुक पट्टी लग के तैयार है। हम एक बार नाप के भी देख लेते हैं, एकदम इक्वल है। अब देखिए हुक पट्टी के निशान मैं इस तरीके से लगाती हूँ। उसके बाद देखिए हम शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सीधा रखा है मैंने नीचे वाले पार्ट को उल्टा और ऊपर वाले को सीधा, और फिर देखिए इसको इस प्रकार से फोल्ड करके अब हम आस्तीन को सेट करेंगे। देखिए मैंने अस्तर को रखा, इसके ऊपर उल्टा रखूंगी मैं इसको फैब्रिक को और एक सिलाई इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैं देखिए एक सिलाई और इस प्रकार से लगाऊंगी अंदर वाले कपड़े, अस्तर वाले कपड़े के ऊपर। जो अंदर हमारा कपड़ा है जो सिलाई के अंदर आया है उसको मैं इस सिलाई के नीचे दबा दूंगी। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। हम बाजू में भी देखिए लेस को नीचे इस प्रकार से सेट करेंगे, ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई मैं बीच में लगा देती हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके, हमारे अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाए। और एक सिलाई इधर लगा देती हूँ और एक सिलाई और लगाऊंगी साइड में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ब्लाउज के फैब्रिक का उसको हम कट कर देंगे। अब देखिए मैं ब्लाउज को इस प्रकार से सीधा रखूंगी और उसके ऊपर बाजू को उल्टा रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लग चुकी है, अब देखिए मैं ब्लाउज को सीधा करूंगी और एक सिलाई सीधी साइड लगाऊंगी इस प्रकार से, और फिर उसके बाद मैं ब्लाउज को उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।